कैसा है आदि? अच्छा है। क्रिस्पी है, पसंद आया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक स्नैक्स का रेसिपी लेके आई हूँ, टी टाइम स्नैक्स। टी टाइम के टाइम पे आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्या करें, और जल्दी से बाजार से खरीदा हुआ पैकेट फाड़ते हैं और वो जो बच्चों को बिखराते हैं, आप दिखाते हैं, जो हेल्दी नहीं होता है। जो चीज़ हम घर पे बना सकते हैं हम बाहर से क्यों मंगवाएं? जो चीज़ घर पे बनेगा उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, बाहर से खरीदा हुआ में प्रिजर्वेटिव होता है, जो हेल्दी नहीं होता है। हम कम से कम इन्ग्रीडियंट से ये नाश्ता कितना जल्दी बना सकते हैं उसका रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन, चिकपी फ्लावर, फिर मैंने ऐड किया इसमें काला जीरा 1/2 टीस्पून, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सोडा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल देंगे, आप चाहें तो घी भी दे सकते हैं, जैसे हम खस्ता बनाते हैं वैसे। थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको टाइट हमको गूथना है, इसको नरम नहीं करना है, आटा जैसे गूथते हैं उस टाइप का गूथना है, पर आटा थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसको हम टान गूथेंगे जैसे हम समोसा बनाते हैं उस टाइप का। और इसमें हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल देके इसको ऐसे गूथ लेंगे। हमारा आटा गूथ गया है, अब इसको रेस्ट करने छोड़ देते हैं। वहाँ पे मैंने कढ़ाई बिठा दिया है, तेल दे दिया। अब ऐसे ही एक मोल्ड आता है जिसमें आप ये सब स्नैक्स बना सकते हैं। मैं ये स्टार नोजल यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसको देख के हम इसको ऐसे बंद कर लेंगे, फिर हमने जो आटा बना रखा है उसका ऐसे पेड़ा तोड़ के हम इसमें अंदर देंगे, फिर इसको बंद करके हम इसका ये बनाएंगे। ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इसको। इसको प्रेस करते ही इस टाइप का ये निकलता है। आप कैंची से थोड़ा थोड़ा काट के इसको ये कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने काट लिया। यहाँ पे कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, तो मैंने अगले ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे काटा है। ये देखिए इसको धीमी आंच में पकाना है, धीमी से मीडियम आंच में। हाई फ्लेम में करेंगे तो जल जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा, हल्का गर्म हुआ होगा तभी हमको इसको तलना है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। हमारा कितना अच्छे से बन गया है। अब मैं आपको प्लेट में डाल के इसका आवाज सुनाती हूँ। देखिए ये देखिए इस तरीके से मैं छोटा छोटा करके जितना लंबा मेरे को चाहिए उस हिसाब से मैं कैंची से काट ले रही हूँ। आप लोग वैसे ही कर लीजिएगा। आप जिस शेप में बना जाने चाहते हैं उस मोल्ड में उस टाइप का ये मैं, आप चाहे तो अगर ये मशीन नहीं है आप तो पाइपिंग बैग में डाल के भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं घर पे। इसको एक बार जरूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए हमारा ये बन गया है, कितना कुरकुरा क्रिस्पी है आपको दिखाते हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, करारा बना है। आप लोग जरूर इसको एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा। इजी स्नैक्स है, घर पे बना हुआ, हेल्दी भी है, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। आप इसको डब्बे में भर के स्टोर करके भी रख के खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।